नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर मंगल कौन सी परिस्थितियों में बहुत अच्छा फल देता है और कौन सी परिस्थितियों में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता है। तो आइए जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि का होकर केंद्र भाव में बैठा हो, अर्थात मंगल स्वगृही या फिर उच्च का होकर केंद्र में बैठा हो, तो रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति साहसिक क्षेत्र में जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि या मकर राशि का होकर कुंडली के त्रिकोण भाव में बैठा हो, अर्थात पहले, पांचवे या नौवे भाव में बैठा हो, तो उच्च कोटि के राजयोग जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति भी बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, स्वमानी, स्वाभिमानी, जुनूनी, बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली, किस्मत वाले होते हैं, बहुत ही साहसिक, पराक्रमी होते हैं, कुछ कर गुजरने वाले लोग होते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा नियम, अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना गया है। उसमें भी जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि अगर दशम भाव के अंदर मंगल स्वगृही या उच्च का होकर बैठा हो तो रुचक योग भी बनाता है और कुल दीपक योग भी बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति कुछ ऐसा कर गुजरते हैं जिससे उनके कुल का नाम रोशन होता है, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर इतनी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं कि अपना और अपने कुटुंब का पूरे समाज के अंदर, देश दुनिया के अंदर नाम रोशन करते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर सुरक्षा क्षेत्र में जाए, जैसे कि पुलिस, मिलिट्री, आर्मी, नेवी, तो ऐसे सुरक्षा क्षेत्र में जाने से इन्हें बहुत ही मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता हो और उसकी कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव के अंदर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को कंप्यूटर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, ऐसे कोई भी क्षेत्र में जाने से उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है और आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। उसके बाद आते हैं चौथा नियम, अगर मंगल दशम भाव के अंदर बैठा हो तो अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। फिर से कहूंगा, अगर मंगल दशम भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक माना गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव में बैठा हो उसमें भी अगर स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, राजनीति, कूटनीति और चाणक्य नीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति हर परिस्थिति का डटकर सामना करने वाले लोग होते हैं, बिना डरे उन कठिन परिस्थितियों में से भी रास्ता निकालने वाले लोग होते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं, दूसरों की सुरक्षा के लिए, जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसे योद्धा, शूरवीर और पराक्रमी होते हैं। जिनके भी कुंडली के अंदर मंगल दशम भाव में बैठा हो ऐसे व्यक्ति में कुछ खास बातें मैंने और देखी है कि ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। क्यों?
क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं। मंगल की सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से ऐसे व्यक्तियों को उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, क्योंकि मंगल की सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है। मंगल की आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो ऐसे लोगों को पहला लड़का होने की संभावना भी बढ़ जाती है, और ऐसे बच्चे अगर पढ़ाई करते हो तो इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर भी बहुत सफलता मिलती है। ऐसे लोग बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी होते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग और एक नियम आगे जाएंगे कि जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल तीसरे और छठवें भाव में बैठा हो तो उसे योग कारक माना गया है, अर्थात कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, जिनके भी कुंडली के अंदर मंगल तीसरे और छठवें भाव में बैठा हो तो उसे कारक माना गया है। अगर मंगल तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों को छोटी मोटी मुसाफरी करने से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को स्पोर्ट्स के अंदर जाने से या फिर साहस और वीरता का काम करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति छोटी मोटी मुसाफरी करे तो भी उन्हें फायदा होता है। मंगल की चौथी दृष्टि यहां होने की वजह से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं। मंगल की सातवीं दृष्टि यहां पे होने की वजह से 28 साल के बाद धीरे धीरे भाग्योदय होता है। मंगल की आठवीं दृष्टि यहां पर होने की वजह से अपने कार्य क्षेत्र में पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। अभी हम आएंगे छठवें भाव के ऊपर। अगर मंगल छठवें भाव के अंदर बैठा हो तो उसे कारक माना गया है, और जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल छठवें भाव में बैठा हो वो शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उन्हें शत्रुहंता भी कहा गया है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं, और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर कर्जा लेते नहीं, और अगर कभी कर्जा लेना भी पड़ा तो कम समय के अंदर उसे फेंक देते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते, और अगर बीमार भी हो गए तो बहुत कम समय के अंदर ठीक हो जाते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि यहां पर होने के वजह से अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से भाग्योदय करते हैं, विदेशागमन से लाभ होता है, और मंगल की आठवीं दृष्टि यहां पर होने के वजह से बड़े साहसिक, पराक्रमी लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल की शुभ और अशुभ दृष्टि के बारे में। तो सुनिए, जन्म कुंडली के अंदर चंद्र मंगल की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो महालक्ष्मी योग नाम का जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति 28 साल के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति कम मेहनत के अंदर, कम समय के अंदर बुद्धि के द्वारा बहुत ज्यादा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। फलस्वरूप कम समय के अंदर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। उसके बाद अगर किसी की कुंडली में मंगल गुरु की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो अवतारी योग नाम का राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति बड़े विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। स्वभाव से दयालु, उदार, परोपकारी, सेवाभावी होते हैं। धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति अतूट श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करते हैं, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम आते हैं अशुभ के बारे में। अगर कुंडली के अंदर मंगल शनि की युति होती हो तो उसे अस्थि भंग कहते हैं, अर्थात अकस्मात योग भी कहते हैं। जिनकी भी कुंडली के अंदर मंगल शनि की युति अगर छठवें, आठवें या 12वें भाव में होती हो और उसमें से कोई भी एक ग्रह ज्यादा पीड़ित हो तो ऐसे लोगों को वाहन अकस्मात का योग बनता है, हड्डी टूटने का योग बनता है, फ्रैक्चर का योग बनता है। उसके बाद मंगल राहु और मंगल की केतु की युति होती हो, फिर से कहूंगा, मंगल राहु और मंगल की केतु की युति होती हो तो अंगारक योग बनता है। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में थोड़ा ज्यादा गुस्सा देखा गया है, जहरी जानवर उन्हें काट सकता है, वाहन से अकस्मात होता है। अभी हम लोग उपाय के बारे में जानेंगे। जिसके भी कुंडली के अंदर मंगल पीड़ित हो तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। पहला, ओम रीम भोमाय नमः, ओम रीम भोमाय नमः के जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल अगर कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो मूंगा का रत्न धारण करें, और मंगलवार के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के मंगल ग्रह की शांति पूजा करें और भैरव जी की पूजा करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।